बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रिज़्क़ की परेशानी को दूर करने का अनोखा अमल। सूरत वाकिया का विर्द रिज़्क़ की परेशानी ख़त्म करने में बहुत ही मुजरब है। एक मसनून अमल भी है और आमलीन कामलीन के मुजरबात में से भी है। रोज़ाना रात को सोने से कबल एक बार सूरत वाकिया पढ़ ली जाए तो कभी इस घर में फाका नहीं होता। फाका ना होने का मतलब यही है कि इतनी तंगी कभी नहीं आती कि फाके की नौबत आ जाए। इस अमल को करने का तरीका ये है कि नमाज इशा के बाद वाली नवाफिल में दो रकत पढ़ें और सलातुल हाजात की नियत कर लें। पहली रकत में सूरत अलम नशरा और दूसरी रकत में सूरत नसर पढ़ें, फिर सलाम फेर कर अवल आखिर दुरूद शरीफ के साथ ये खास दुआ एक बार या तीन बार पढ़ें। यह दुआ सैयद इमाम रफाई नूरुल्लाह मरकज से मंसूब है, जो रफाई सिलसिले के अकाबर ओलिया में से थे और इनको अपने वक्त का गौसल कबीर भी कहा जाता है। दुआ ये है। बाहवाला अबकरी रूहानी चंतरी 2020 सफा नंबर 33। चलें जी, आप वीडियो को ख़त्म करते हैं। अगर किसी बात की आपको समझ ना आए तो ज़रूर पूछ लीजिएगा। शेखुल वज़ाइफ की कौन सी किताब से ये वीडियो ली गई है, आप मुझसे ये भी पूछ सकते हैं। मैं अपनी वीडियो को और ज़्यादा बेहतर कैसे बनाऊं, आप मुझे मशवरा भी दे सकते हैं। ऐसी मज़ीद वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।